दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में से एक सुंदरबन जंगल, जिसमें कि अगर कोई अकेले गया तो समझो कि वो वापस नहीं आएगा। सुंदरबन नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये कोई सुंदर जंगल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जंगल सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और भयानक भी। लेकिन हाँ, अगर इसे दूर से देखा जाए तो तभी आप इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। यानी कि सावधानी से, ये जंगल किसी हॉरर मूवी से बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ पर नदियों की ऐसी भूलभुलैया है कि जिसमें कि अगर कोई फंस गया तो फिर तो वो फंसता ही चला जाता है। ये जंगल है हजारों की तादाद में स्थित नदियों की, ये जंगल है दलदली भूमि की, ये जंगल है हमारे देश के सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर का, और ये जंगल है खतरनाक से खतरनाक मगरमच्छों का, यही नहीं विषैले सांपों का और ऐसे कई जानवर जिनके बारे में आप जानते भी नहीं। सुंदरवन का अगर इस जंगल में कुछ है तो वो है सिर्फ खौफ। अगर जमीन पर जाओगे तो वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का खौफ, पानी में जाने पर खतरनाक मगरमच्छों का खौफ जो कि आपको पानी में ही सुलटा देंगे, और पानी से ऊपर आए तो दलदली भूमि का खौफ जहाँ दलदल में फंसकर ही मर जाओगे। इतने सारे खतरे होने के बावजूद क्या आप सुंदर जंगल के सैर पर निकलेंगे? अगर इसके बावजूद भी आप हाँ कहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा आप अपनी मौत को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कुछ हिम्मती लोगों के अलावा यहाँ पर कभी भी कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, अगर आप असल जिंदगी में सुंदरबन जंगल की सैर नहीं कर सकते तो आप हमारे वीडियो के जरिए सुंदरबन की सैर कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। डेल्टा उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर नदियों का मुहाना होता है, जहाँ पर की नदियाँ अपने जल को दूसरी नदी, झील या समुन्द्र में बहा देती है, यानी कि उनसे मिलती है। सुंदरवन का ये डेल्टा भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनती है, इसीलिए सुंदरवन को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है। सुंदरबन करीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कि 60% एरिया बांग्लादेश में जाता है और 40% भारत में। भारत में इस जंगल को सुंदरवन नेशनल पार्क कहा जाता है। सुंदरबन सदाबहार वनों और विशाल खाड़े दलदल से भरे हुए हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश के मेघना नदी तक फैली हुई है। सुंदरवन जंगल हरा भरा रहने वाला एक विशाल जंगल है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसी वजह से इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। सुंदरबन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। ये जंगल मुख्तर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, जहाँ पर के टाइगर खुले तौर पर पूरे जंगल में फैले हुए हैं और कुछ भी शिकार करने के लिए उन्हें पूरी आजादी है। सुंदरवन में 50 से अधिक स्तनधारी जानवर रहते हैं और इनकी कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा 60 से ज्यादा रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें से मगरमच्छ सबसे ज्यादा हैं, और यहाँ पर 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ में वनस्पतियों की भी। टाइगर यहाँ का मुख्य जानवर है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सुअर, भालू, हिरन, लेपर्ड, बिल्लियाँ, हिरन और आदि जानवर हैं, यानी कि कई सारे जानवर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं, जैसे कि रसल वाइपर, किंग कोबरा, कॉमन क्रैब, ग्रीन वीप स्नेक आदि पाए जाते हैं। दलदल भूमि होने के कारण यहाँ पर जीवन का जीना किसी चुनौती से कम नहीं है। मीठे पानी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है, पूरे जंगल में सिर्फ खारा पानी ही है और यहाँ के जानवरों को इसी खारे पानी के सहारे जीना पड़ता है, और जो कि बहुत ही भारी चीज है। खाने के अभाव के कारण हिरण यहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, और बंदर तो यहाँ पर खाने की कमी के कारण पानी से मछलियों को निकाल कर खाते हैं। दूर दूर तक यहाँ पर बहुत ही कम हरियाली है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पाई जाती है, वो है दलदल भूमि, और यही सब कारण है यहाँ पर सुंदरबन के जानवर आदमखोर बन जाते हैं और यहाँ पर आने वाले हर किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बाघ एक अच्छे तैराक होते हैं, जो कि आसानी से किसी भी छोटे नाव को पलट सकते हैं और इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। सुंदरबन का जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ पर हर साल बंगाल टाइगर के अटैक से सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, केवल इस क्षेत्र में मछुआरे ही
दूर दूर से मछलियों को पकड़ने आते हैं और अपने बोट से मछलियों को पकड़ते पकड़ते काफी दूर तक निकल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग ज्यादा पानी भर जाने की वजह से जब भी खेती नहीं कर पाते हैं तो फिर वो अपना पेट भरने के लिए या तो मछलियाँ पकड़ते हैं, या तो जंगल के अंदर घुसकर लकड़ी काटते हैं, या तो मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाल के ले जाते हैं, और जिस वजह से इनके ऊपर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैनग्रोव्स में घूमने के लिए कोई भी रास्ते नहीं है। यहाँ प्रवेश करने के लिए सुंदरबन के चैनल से आना होता है। यदि आप सुंदरबन के जंगलों को नजदीक से देखना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले वन के कार्यालय से परमिशन लेना होगा और इसके बाद आप बोट या सफारी से अपने यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जो कि सुरक्षित ही आपको यहाँ की सैर करा देगा। यहाँ पर आप सिर्फ सुंदरबन जंगल को बोट के ऊपर से बैठकर ही देख सकते हैं और तट पे जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती है। भीतरी जंगल में आप तभी जा सकते हैं और जब आपके साथ कई गार्ड हों जो कि आपकी रक्षा कर सकें। सुंदरबन जंगल को यदि आप नदियों से देखेंगे तो यही नज़ारा आपको सबसे खूबसूरत मिलेगा, और वहीं अगर आप जंगल में गए तो यही सुंदरता आपके लिए एक नरक जैसा लगेगा, यानी कि एक खौफ। तो फिर दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, और ये भी समझ गए होंगे कि सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहा जाता है और किस वजह से ये दुनिया के खतरनाक जंगलों में से एक है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नई वीडियो में। ओके बाय।